में पिछले 24 घंटे में 10,320 नए मामले, 4,22,000 के पार पहुंचा कुल आंकड़ा। मुंबई में आज कोरोना के 1,085 नए केस, 53 मरीजों की मौत। ठाणे में कोरोना के केस 85,000 के पार हुए, ठाणे में कोरोना के 2300 से ज्यादा की मौत। वाशिम में अस्पताल से भागे कोरोना मरीज का कुएं में मिला शव, पुलिस ने जताया सुसाइड का अंदेशा। भीड़ में अस्पताल की घोर लापरवाही, बिजली जाने से वेंटिलेटर पर तड़पते मरीज का वीडियो वायरल, 2 दिन बाद मरीज की मौत। पुणे में कोरोना पीड़ित महिला ने नगर निगम के अस्पताल में दिया जुड़वा, बच्चों को जन्म, तीनों की तबीयत ठीक। देवेंद्र फडणवीस ने महाविकास आघाड़ी सरकार के लिए कहा, ये 10 फैमिली नहीं लिव इन रिलेशनशिप में है, आपसी मतभेदों से गिर जाएगी इनकी सरकार। मुंबई में कम बारिश की वजह से 5 अगस्त से पानी की सप्लाई में 20% कटौती, अगस्त में अच्छी बारिश हुई तो बंद हो जाएगी कटौती। कांग्रेस विधायक जीशान सिद्धि ने मांगी मुस्लिम समुदाय से माफी, वजह बताई कुर्बानी के लिए बकरों के मुंबई में ट्रांसपोर्ट का मुद्दा नहीं कर पाए हल। महाराष्ट्र के चंद्रपुर में झोपड़ी में रहने वाली महिला हुई शॉक, बिजली विभाग ने भेजा 62,000 का बिल। 129 अंकों की गिरावट के साथ 37,606 पर बंद हुआ सेंसेक्स, निफ्टी 28 पॉइंट्स गंवाकर 11,073 पर बंद। गोल्ड एमएनएसटी स्कीम लाने पर विचार कर रही सरकार, सोना खरीदकर टैक्स चोरी करने वालों पर लगेगी लगाम और मेटल आयात में होगी कटौती। दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु में ऑनलाइन खरीदारी पर खर्च, कोरोना काल के पहले के स्तर के भी पार, क्रेडिट कार्ड बिल पेमेंट प्लेटफॉर्म सीआरईडी की रिपोर्ट का दावा। कोरोना काल में डिमांड के बढ़ोतरी के बावजूद इस साल एफएमसीजी की बिक्री में नहीं होगी बढ़ोतरी, निल्सन की रिपोर्ट में किया गया दावा। कॉग्निजेंट ने कोरोना काल में 7,000 कर्मचारियों को दिखाया बाहर का रास्ता, कर्मचारियों की संख्या घटकर 2018 के 10,500 के स्तर पर उड़की। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओमकश्यप, हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।